ड्राई स्किन बहुत ज्यादा हो रही है, खुरदरी स्किन हो रही है, लोशन लगाते हैं थोड़ी देर में उड़ जाता है या फिर बहुत महंगा होता है, तो कॉफी से हम क्यों फायदा ना उठाएं कि हम एक लोशन बनाएं जो कि ड्राई स्किन के लिए है और बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने कॉफी ले ली। अच्छा, कॉफी आपको मिल जाएगी, एक बहुत डार्क कलर मिल जाएगी, थोड़ा सा लाइट कलर, जैसे मैंने बताया कि इस तरह से भुना जाता है, पकाया जाता है, तो वो उसकी जो शक्ल भी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये मैं लाइट वाली कॉफी लूंगी, डार्क कॉफी इसलिए नहीं लूंगी कि वो लोशन आपको 2-3 दफा दिन में लगाना पड़ेगा। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कॉफी पाउडर ले लिया, इसके साथ विटामिन ई का जो ऑयल है वो मैं ले लूंगी 1 टीस्पून, क्योंकि ये लोशन बना रहे हैं हम। साथ में एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल इसलिए कि आपको कोई रैशेज है, कोई जख्म हुआ हुआ है तो उसका ये क्योर करेगा और आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ये भी 1 टीस्पून। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी बादाम का ऑयल, वो तकरीबन भरकर 1 टीस्पून, क्योंकि लोशन बन रहा है और साथ में खुशबू भी तो चाहिए, हाथ पे लगाएं, फेस पे लगाएं तो उसमें थोड़ी खुशबू आनी चाहिए। तो ये हमने चमेली का तेल, जैस्मिन ऑयल, ये भी मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून शामिल कर दिया। लास्ट में लेमन, जब आपकी स्किन फट रही होती है तो आप लेमन जूस जो है उसको क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। लेमन हमारी स्किन के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, अगर इसकी क्वांटिटी का ख्याल ना रखें, ठीक है। तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखें 2 से 3 कतरे थोड़ा सा मैंने लेमन डाल दिया इसके अंदर, उसको मिक्स करके अच्छी तरह से आप इसको बना के रख दें, इसको बना के रख देना है। और आपको किस तरह से यूज करना है मैं आपको अपने हाथ पे ही बता देती हूँ। थोड़ा सा ले लेना है इसको और इसको लगा लेना है, इसमें कलर आएगा और आपकी स्किन में ना तो चिपचिपापन होगा और आपकी स्किन ड्राई होने से बच जाएगी और ये 2 से 3 घंटे तक आपकी स्किन जो है वो नरम मुलायम रहेगी। ना ही चिपचिपापन है, ना ही तो इसमें ड्राइनेस है, ना इसमें कलर आ रहा है। तो इसको आप बना के रख दें, उसको फेस पे भी लगा सकते हैं, नेक पे भी लगा सकते हैं, हाथ पे भी लगा सकते हैं, आप ये समझे फुल बॉडी के लिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको आप लगाएं, ये बहुत अच्छा है। बस इसको बनाए।